अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समरीन कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाने वाले हैं कच्चे कीमे का चपली कबाब। ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत फटाफट बन जाता है। आइए हम बता देते हैं क्या क्या हमें चाहिए इसके लिए। हमने यहाँ कीमा ले लिया है, यहाँ हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं, पुदीना ले लिया है और हरा धनिया भी हमने यहाँ इसमें पीस लिया है, एक प्याज, लहसुन अदरक मिला के हमने तीनों का पेस्ट बना लिया। हमने यहाँ अरारोट ले लिया है, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच। मसाले में देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। हमने यहाँ आधा चम्मच कूटा कूटा मिर्चा ले लिया है, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने ले लिया है इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच लिया लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हमने तंदूरी मसाला लिया है। ये होममेड तंदूरी मसाला है। अगर ये रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने यहाँ ले लिया है गरम मसाला पाउडर और हमने 1 चम्मच नमक ले लेना है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बाउल में आपको कीमा डाल देना है। हमने आलू डाल दिया है, धनिया के पत्ते, पुदीना डाल दिए, फिर उसके बाद सारे मसाले डाल देना है। अब हमें पेस्ट डालना है। ये पेस्ट है प्याज का, लहसुन अदरक का, और आखिर में डालना है अरारोट। सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। और हम देख लेते हैं, अब हम ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसको हमने रख दिया है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम उसके बॉल्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने बॉल्स रेडी किए हैं अभी 4 ही। आप देख सकते हैं मतलब साइज़ में कितने बड़े हैं। आपको जिस हिसाब से बनाना है आप उस हिसाब से बनाएं। अब हम इनको कबाब की तरह शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे काफ़ी बड़े बड़े कर लिया है। आप जिस हिसाब से बनाना चाहे, जैसा शेप देना चाहे, छोटा बड़ा, वो आप कर सकते हैं। यहाँ हमने बड़े बड़े लिए हैं। चपली कबाब थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मोटा नहीं रखना है इसे। अब हम अपने सारे बना लेते हैं और फिर फ्राई करते हैं इसे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम कबाब को डालेंगे इसमें। यहाँ हमने ऐसे इसको ले लिया है, आप ऐसे डालें। यहाँ हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। कबाब बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।